नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं रियलमी पैड मिनी को नोकिया टैब T10 से। दोनों ही बजट टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, 10,000 रुपीज के अप्रोक्स इनकी प्राइस देखने को मिलती है। तो कंपेयर करेंगे दोनों ही टैबलेट्स को, जाने कौन सी आपको बेटर देखने को मिल जाती है। तो विदाउट वीडियो को डिले करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले नोकिया T10 की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 8 इंचेस की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं रियलमी पैड मिनी के अंदर आपको 8.7 इंचेस की HD TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब कंपेयर करें दोनों ही डिस्प्लेस को, तो रियलमी पैड में आपको रियलमी पैड मिनी के अंदर थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन अगर क्वालिटी वाइज कंपेयर करें तो जो नोकिया की डिस्प्ले है वो आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों च्वाइस आपकी है, बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि जो आपको नेकेड आई से विजिबल हो या फिर बहुत ज़्यादा विजिबल हो, आपको पता चल जाएगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो अगेन जो रियलमी पैड मिनी है वहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाकी बात करें दोस्तों दोनों ही टैबलेट्स के प्रोसेसर की, नोकिया T10 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है यूनिसोक की तरफ से आने वाला T616। सेम प्रोसेसर रियलमी पैड मिनी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है यूनिसोक T616। प्रोसेसर मीडियम लेवल का है, नॉर्मल यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए ही है। बहुत ज्यादा कोई यहां पर गेमिंग वगैरह आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा बेसिक लेवल की यहां पर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है प्रोसेसर के टर्म्स में। बाकी बात करें रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो दोनों टैबलेट्स में आपको 3GB की मिनिमम रैम देखने को मिल जाती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 4GB 64GB वाला स्टोरेज वेरियंट भी दोनों ही टैबलेट्स के अंदर उपलब्ध है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें कैमरास की, तो नोकिया टैब T10 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। वहीं रियलमी पैड मिनी के अंदर आपको बैक में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में यहां पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा की क्वालिटी दोनों में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी देखने को मिलेगी, लेकिन अगेन हल्के से यहाँ पर आपको नोकिया टैब के जो कैमराज हैं वो आपको बेटर यहाँ पर आपको देखते एक तरह से देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करें इनकी बैटरी लाइफ की, तो नोकिया टैब T10 के अंदर आपको 5000 अप्रोक्स mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों रियलमी पैड के अंदर आपको 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जबकि नोकिया टैब T10 के अंदर आपको नॉर्मल 10W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगेन जो रियलमी पैड मिनी है वहां पर आपको बैटरी लाइफ के टर्म्स में हल्का सा एज देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगेन यहां पर डिस्प्ले भी थोड़ी सी बड़ी है तो बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है कि यहां पर आपको आधा या आधा घंटे के समथिंग फर्क देखने को मिले, 15 मिनट या आधा घंटे के समथिंग फर्क देखने को मिले इसके बैटरी लाइफ के टर्म्स में, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो इस टाइप से यहां पर आपको बैटरी लाइफ एक तरह से देखने को मिल जाती है दोनों ही टैबलेट में। बाकी दोस्तों टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको दोनों ही टैबलेट्स में देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। अब दोस्तों आते हैं इनके मेजर डिफरेंसेस पे। बाकी दोस्तों बात करते हैं फाइनली इनके मेजर डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर आपको नोकिया टैब T10 के अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलता ही है, साथ में यहाँ पर आपको 4G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये आपको बेस वेरियंट के अंदर ही देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों रियलमी पैड मिनी के अंदर भी आपको ये सेम चीज वाईफाई ब्लूटूथ और 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इनकी प्राइसेस को लेकर बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है। नोकिया टैब T10 4G वाला वेरिएंट आपको 11,000 अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको रियलमी पैड मिनी के अंदर 4G वाला वेरिएंट चाहिए तो 14,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। दूसरा मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि नोकिया टैब T10 के अंदर आपको 2 ईयर्स के एंड्रॉइड के मेजर OS अपडेट यहां पर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि करंटली एंड्रॉइड 12 पर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नोकिया टैब T10 है वो चल रहा है, तो आपको 13-14 के अपडेट देखने को मिलेंगे, जबकि रियलमी पैड मिनी के अंदर आपको ऐसे कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यार ये चीज देखने वाली है कि जो लॉन्ग टर्म तक आपकी टैबलेट सस्टेन करेगी वो नोकिया टैब T10 करेगी, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों के बेस वेरिएंट की इनकी बात करूं स्टार्टिंग प्राइस की, तो अगर आपको वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट चाहिए रियलमी पैड मिनी का तो 9999 से स्टार्ट हो जाता है। वहीं दोस्तों नोकिया टैब के लिए आपको अप्रोक्स 10,000 रुपीज पे करने पड़ते हैं और 11,000 में आपको 4G वाला बैंड देखने को मिल जाता है, 3GB 32GB वाला। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको ये डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं दोनों ही टैबलेट्स में। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका बजट 10,000 रुपीज है तो आपको कौन सी टैबलेट चूज करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी 4G है, साथ में है कि आप लॉन्ग टर्म तक अपने टैबलेट को चलाना चाहते हैं, अपडेट्स न्यू फीचर्स का एंजॉय करना चाहते हैं और काफी ज्यादा लैग सेटस आप चाहते हैं कि कम आपके टैबलेट में देखने को मिले, तो आप नोकिया टैब T10 को चूज कर लीजिए। अगर दोस्तों आपका काम वाईफाई ओनली से चल जाता है और आपको चाहते हैं कि आपके टैबलेट में काफी सारे फीचर्स हों, जो कि रियलमी का आपके पास फोन है उसके साथ जुड़ के जैसे आप रियलमी के फोन में काफी सारे फीचर्स एंजॉय करते हैं वैसे ही कुछ रियलमी का UI देखने को मिले, तो आप रियलमी की टैबलेट ले सकते हैं रियलमी टैब मिनी। इस टाइप से एक तरह से कंपैरिजन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको 10,000 रुपीज में कौन सी टैबलेट बाय करनी चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।